हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में सांसार दस में। और आज की इस वीडियो पे हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की 90 के दशक की सुपरस्टार एक्ट्रेस रवीना टंडन की एज एन एक्ट्रेस रिलीज सभी मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। एज एन एक्ट्रेस रवीना टंडन ने कितनी मूवीज में काम किया है, उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही है, और साथ ही साथ रवीना टंडन के कम्प्लीट करियर का सक्सेस रेशियो क्या है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ में सांसार दस को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो यार, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्ट्रेस रवीना टंडन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रवि टंडन की बेटी हैं। और रवीना टंडन का जन्म हुआ है 26 अक्टूबर 1972 को और इस साल 26 अक्टूबर 2024 को यह अपना 52वां जन्मदिन मनाएगी। 1991 से लेकर अब तक बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ये जुड़ी रही है। और एज एन एक्ट्रेस उनकी डेब्यू मूवी का नाम है पत्थर के फूल, जो की 1991 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी। 1992 में भी रवीना टंडन एक मूवी का हिस्सा रही थी, जीना मरना तेरे संग। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 1993 में रवीना टंडन 7 मूवीज का हिस्सा रहती है, जिनमें से क्षत्रिय मूवी एवरी रहती है, राधा सरादी तेलुगु लैंग्वेज की मूवी डिजास्टर रहती है, परंपरा मूवी भी डिजास्टर रहती है, दिव्या शक्ति फ्लॉप रहती है, पहला नशा भी फ्लॉप रहती है, एक ही रास्ता भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है, और बंगारू बुलुदू तेलुगु लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। 1994 में रवीना टंडन 10 मूवीज का हिस्सा रहती हैं, जिनमें से जमाने से क्या डरना एवरी रहती है, इम्तिहान भी एवरी रहती है, मोहरा ब्लॉकबस्टर रहती है, इंसानियत फ्लॉप रहती है, आतिश बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहती है, लाडला बॉक्स ऑफिस पर हिट रहती है, साधु तमिल लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी में स्पेशल अपीयरेंस देती है, अंदाज अपना अपना बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रहती है, और 1994 की मूवी दिल वाले भी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित होती है। 1995 में रवीना टंडन 3 मूवीज का हिस्सा रहती हैं, जिनमें से साजन की बाहों में डिजास्टर रहती है, तकदीर वाला फ्लॉप रहती है, और जमाना दीवाना भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। 1996 में रवीना टंडन 3 मूवीज का हिस्सा रहती है, जिनमें से विजेता फ्लॉप रहती है, रक्षक मूवी में रवीना टंडन कैमियो अपीयरेंस देती हैं, और खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996 में रिलीज यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होती है। 1997 में रवीना टंडन 6 मूवीज का हिस्सा रहती हैं, जिनमें से अनजाने डिजास्टर रहती है, दावा मूवी फ्लॉप रहती है, विनाशक मूवी भी फ्लॉप रहती है, दीवाना मस्ताना में कैमियो या स्पेशल अपीयरेंस देती हैं रवीना टंडन, गुलाम मुस्तफा बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित होती है, और जिद्दी मूवी सनी देओल स्टारर ये फिल्म 1997 में रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित होती है। 1998 में रवीना टंडन 8 मूवीज का हिस्सा रहती हैं, जिनमें से घर वाली बाहर वाली एवरी रहती है, आंटी नंबर 1 बिलो एवरी रहती है, कीमत मूवी फ्लॉप रहती है, सलाखें भी फ्लॉप रहती है, बारूद भी फ्लॉप रहती है, परदेसी बाबू फ्लॉप रहती है, दूल्हे राजा बॉक्स ऑफिस पर हिट रहती है, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ 1998 में रिलीज यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। 1999 में रवीना टंडन 6 मूवीज का हिस्सा रहती हैं, जिनमें से ओपिंद्रा कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रहती है, जय हिंद डिजास्टर रहती है, राजा जी फ्लॉप रहती है, शूल मूवी भी फ्लॉप रहती है, गैर मूवी भी फ्लॉप रहती है, और अनाड़ी नंबर 1 1999 में रिलीज यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित होती है। साल 2000 में रवीना टंडन 6 मूवीज का हिस्सा रहती है, जिनमें से तूने मेरा दिल ले लिया डिजास्टर रहती है, बुलंदी मूवी भी डिजास्टर रहती है, जंग मूवी फ्लॉप रहती है, कहीं प्यार ना हो जाए फ्लॉप रहती है, खौफ मूवी में स्पेशल अपीयरेंस देती है रवीना टंडन, और घात मूवी में भी स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देती है रवीना टंडन। साल 2001 में रवीना टंडन 6 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से अलावंधन तमिल लैंग्वेज की मूवी रहती है, बिलो एवरेज साबित होती है, 2001 की दमन डिजास्टर रहती है, अक्स मूवी फ्लॉप रहती है, अक्कासा विधिलु फ्लॉप रहती है, ये तेलुगु लैंग्वेज की मूवी रहती है, अभय मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है, और ऑफिसर साल 2001 में रिलीज ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती है। साल 2002 में रवीना टंडन 4 मूवीज का हिस्सा रहती हैं, जिनमें से सोज डिजास्टर रहती है, अग्नि वर्षा भी डिजास्टर रहती है, वाह तेरा क्या कहना भी डिजास्टर रहती है, अखियों से गोली मारे बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित होती है। साल 2003 में रवीना टंडन 5 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से प्राण जाए पर शान न जाए डिजास्टर रहती है, स्टंप मूवी भी डिजास्टर रहती है, इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी रवीना टंडन रहती है, सत्ता मूवी 2003 में रिलीज हुई फ्लॉप साबित होती है, एलओसी कारगिल भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है, कयामत सिटी अंडर थ्रेट इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देती है रवीना टंडन।
साल 2004 में रवीना टंडन 6 मूवीज का हिस्सा रहती हैं, जिनमें से जागो डिजास्टर रहती है, ये लम्हे जुदाई के शाहरुख खान के साथ मूवी ये डिजास्टर रहती है, लेट रिलीज मूवी होती है, पुलिस फोर्स भी एक लेट रिलीज मूवी है जो कि डिजास्टर रहती है, ऑन मैन एट वर्क ये भी एक डिजास्टर मूवी रहती है, एक से बढ़कर एक भी डिजास्टर रहती है, और दोबारा साल 2004 में रिलीज ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होती है। तो साल 2004 में रिलीज रवीना टंडन की ये 6 की 6 मूवीज बड़ी फ्लॉप रही है, यानी डिजास्टर साबित हुई है। साल 2005 में रवीना टंडन एक मूवी पहचान द फेस ऑफ ट्रुथ का हिस्सा रहती हैं। इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी खुद रवीना टंडन रहती है और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप साबित होती है। साल 2006 में रवीना टंडन एक मूवी सैंडविच का हिस्सा रहती है और यह फिल्म डिजास्टर साबित होती है। साल 2006 के बाद साल 2011 में बुड्ढा होगा तेरा बाप में रवीना टंडन स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देती हैं, और फिर साल 2014 में तेलुगु लैंग्वेज की मूवी पांडवुलु तुम्मेदा का हिस्सा रहती हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है। 2015 में रवीना टंडन 2 मूवीज का हिस्सा रहती हैं, जिनमें से 2 चेहरे डिजास्टर रहती है और बॉम्बे वेलवेट में रवीना टंडन स्पेशल अपीयरेंस देती हैं। साल 2017 में रवीना टंडन 3 मूवीज का हिस्सा रहते हैं, जिनमें से मातृ मूवी डिजास्टर रहती है, शब मूवी भी डिजास्टर रहती है और हनुमान द दमदार। इस एनिमेटेड मूवी में वॉइस ओवर रवीना टंडन का इस्तेमाल होता है, इसे स्पेशल अपीयरेंस में काउंट किया जाएगा। साल 2019 में रवीना टंडन एक मूवी खानदानी शवाखाना में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई दिखाई देती है। तो फिर उसके बाद साल 2022 में रवीना टंडन KGF चैप्टर 2 का हिस्सा रहती है, बड़ा दमदार करेक्टर इस फिल्म में रवीना टंडन ने किया था। यश और संजय दत्त स्टारर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। और फिर उसके बाद साल 2023 में रवीना टंडन एक मूवी वन फ्राइडे नाइट का हिस्सा रहती है और ये फिल्म डिजिटली ऑडिटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है, थिएटर्स पर यह फिल्म रिलीज नहीं होती। और बात करें रवीना टंडन की अपकमिंग मूवीज की, तो उनकी 2024 में आने वाली पहली मूवी का नाम है गुड़चड़ी, जो कि आपको 2024 में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अक्षय कुमार और मल्टी स्टारर मूवी वेलकम टू द जंगल, जो कि 2024 क्रिसमस दिसंबर पर आपको देखने को मिलेगी, रवीना टंडन वेलकम टू द जंगल का भी हिस्सा होने जा रही है। तो योर सुपरस्टार एक्ट्रेस रवीना टंडन ने साल 2004 में अनिल थादानी के साथ शादी की है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे रवीना टंडन ने 90 के दशक में एडॉप्ट किए थे। तो इस तरह 4 बच्चों की मां बन चुकी है रवीना टंडन, और आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक फेमस एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है। तो योर सुपरस्टार एक्ट्रेस रवीना टंडन अपने कंप्लीट करियर में 84 मूवीज का हिस्सा रही हैं, जिनमें से उनकी 1 मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, 2 मूवीज ब्लॉकबस्टर, 4 मूवी सुपरहिट, 6 मूवीज हिट, 3 सीमी हिट, 4 एवरेज, 2 बिलो एवरेज, 28 फ्लॉप और 23 डिजास्टर रही। रवीना टंडन की 1 मूवी डिजिटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, और इसके अलावा रवीना टंडन ने 10 मूवीज में स्पेशल कैमियो या फिर एज ए नरेटर उनकी वॉइस इस्तेमाल हुई है। तो इस हिसाब से बॉलीवुड या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस रवीना टंडन का सक्सेस रेशियो बनता है 30.14%। तो यार ये थी सुपरस्टार एक्ट्रेस रवीना टंडन की रिलीज सभी मूवीज की डिटेल। तो एज एन एक्ट्रेस रवीना टंडन की रिलीज इन सभी मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रवीना टंडन की जोड़ी आपको किस बॉलीवुड सुपरस्टार एक्टर के साथ सबसे ज्यादा पसंद थी? कमेंट सेक्शन में इनके नाम भी जरूर मेंशन कीजिएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल में सांस स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।